तो अभी गाइस हम लोग ड्राइव करके आ गए हैं और गाड़ी की जो माइलेज आ रही है ना वो बहुत ज्यादा आ रही है भाई। एसयूवी के हिसाब से 21.0 की माइलेज यहाँ पे शो कर रही है गाड़ी। गाइज हमारी सुर्खियों में कुछ पसंदीदा गाड़ियां आई है जिनमें से हम एक दो की आज टेस्ट ड्राइव लेने के लिए जा रहे हैं। सो इस वीडियो को पूरा देखना, टाइटल एंड हमने लेके आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग किस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने जा रहे हैं। सो मैं जा रहा हूँ, चाचू तो हमेशा मेरे साथ होते ही है। सही है, जब तक छुट्टियां होती है तब तक तो रहते ही है साथ। हाँ, सात बार बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। और आगे की जो भी अभी हमारा प्लान तो सिर्फ ग्रैंड विटारा का ही है, बट आते टाइम कुछ कंपनी और भी आती है रास्ते में, तो देखेंगे कि हमें और कौन सी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेनी है, क्योंकि कुछ एसयूवी टाइप बड़ी गाड़ी हम लोग को चलानी है। कुछ वैसी गाड़ी में हम लोग चेंज करने का सोच रहे हैं। सो देखते हैं कि कौन सी पसंद आती है। सो आप लोग भी सजेस्ट करना कि कौन सी गाड़ी हम लोग के लिए बढ़िया रहेगी। और फिलहाल हम लोग भाई रास्ते में हैं, बढ़िया नागौर की रोड का मजा लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने रोड के बारे में जो बोला था, हमारे घर वाले सोनू चाचू बोले भाई बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे रोड कभी जिंदगी में देखी नहीं, नागौर की रोड पे जैसे लाइफ में फर्स्ट टाइम आए हो। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि आप लोगों के लिए वो फर्स्ट टाइम था, तो हमने वो चीज बोली। आज वाला वीडियो जब वो देखेंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि हां मेरे को रिप्लाई मिला है। शाबाश बेटा। तो भाई जब तक चाचू की छुट्टियां है ना तब तक हम लोग गाड़ियां घूमेंगे बढ़िया। यहां देखो ये टाटा की एजेंसी यहां पे है, तो यहां भी आके देखेंगे। चाचू यहां कौन सी गाड़ी की टेस्ट लोगे? यहां हैरियर वगैरह लेंगे यार, काफी नेक्सन हैरियर, ये क्योंकि हम लोग को एजेंसी है वैसे। यहां टाटा वो ट्रक, वो ट्रक है भाई, वो ट्रक है भाई। हमें ना एसयूवी टाइप गाड़ी लेनी है, तो हम लोग वैसी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं जो हमारे मन को भाए, क्योंकि सिडान हमने बहुत चला ली है। सिडान का मतलब ये समझ लो 1,55,835 किलोमीटर में अभी चल रही हो तो सिडान को हमने काफी ज्यादा चला ली है। सो टाटा की एक और एजेंसी ट्रक एंड बस, भाई इतनी कितनी है टाटा की? यहाँ इधर मारुति, ये मारुति का कॉमर्शियल, और वहाँ पे मारुति की नेक्सा और अरीना दोनों। सो हम लोग को इधर, अरे अरीना में जाना है, पहले अरीना में जाएंगे, अरीना से हमें पवन जी ज्वाइन करेंगे अंदर के लोग। हाँ गाड़ी यहीं बाहर रोक दो। सो अरीना में हमें पवन जी ज्वाइन करेंगे और पवन जी के साथ में हम लोग जाएंगे नेक्सा में, तो दोनों शोरूम पास पास में ही है, यहाँ पे अरीना का वहाँ पे नेक्सा का, तो हम लोग को वहाँ जाना है नेक्सा वाले में, क्योंकि ग्रैंड विटारा की हम लोग टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं और ग्रैंड विटारा हमें वहीं पे मिलेगी, अरीना में नहीं मिलेगी। ब्रेजर से विटारा हटा करके और ग्रैंड विटारा बना दिया, वाह मारुति वाह। अच्छा हमको सिखा रहा है, तो अभी चलते हैं गाइस। यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? सो फाइनली गाइस अभी टाइम आ गया इस गाड़ी को बाय बाय करने का। कोई बाय बाय नहीं हो रही, वो गाड़ी साथ रहेगी मेरे। ये ट्रू वैल्यू भी है यहाँ का बे, ट्रू वैल्यू। इसको नीचे दे दो, ऊपर से नहीं लेंगे। इसको ट्रू वैल्यू में दे देंगे हम। ये भी सही है, इसको नीचे दे देते हैं और ऊपर से नहीं ले लेते हैं, बट ऐसा नहीं करने वाले हम लोग। सबसे पहले पवन जी को ज्वाइन करते हैं भाई। तो अभी गाइस निकल रहे कंपनी से और अपनी गाड़ी अपने पास आ चुकी है। सो सबसे पहले अपन टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं ग्रैंड विटारा की, और इसका एक डिटेल वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। सो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगा डिटेल वीडियो। गाड़ी का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, देखो जो हमें पूरा टेस्ट ड्राइव में गाइड देंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम अजीत सिंह है। और लोकल नागौर से आप? हाँ। चलो बढ़िया। सनरूफ भी है देखो भाई, पैनोरमिक सनरूफ दे रखी पूरी गाड़ी में देखो। तो भाई ये इस गाड़ी का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और इंटीरियर देखने में बहुत प्यारा और कलर कोडिंग भी बहुत अच्छे से किया है। चाचू बैठे हैं पीछे, तो चाचू पीछे का कंफर्ट कैसा है? सुपर्ब है गावे, मतलब बहुत अच्छी गाड़ी है। मारुति से मैंने मतलब इस तरह की गाड़ी कभी एक्सपेक्ट की नहीं थी, सीरियसली बहुत बढ़िया गाड़ी है, बेस्ट है। सो ये टॉप मॉडल भैया अभी लेके आए हैं, इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, और जितने भी जो एक लग्जरी गाड़ी के अंदर फीचर्स होते हैं ना वो सभी इस गाड़ी में मिलेंगे, इंक्लूडिंग 360 डिग्री कैमरा। सो हम लोग सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो में थोड़ा बहुत कवर होगा, थोड़ा बहुत होगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ए टू जेड गाड़ी की बॉडी से लेकर के इंजन से लेकर के फीचर्स तक पूरा डिटेल में वीडियो बनाने वाले हैं। सो भाई खड्डे जो आ रहे हैं ना, ये रोड कुछ इस तरीके की है, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारी एसयूवी है भाई ये। तो भैया इसकी रेटिंग, सेफ्टी रेटिंग कितनी है?
सर अभी तो मार्केट की तो कोई रेटिंग आई नहीं है, जो मारुति ने क्रैश टेस्ट हुआ नहीं है क्या? हाँ, क्रैश टेस्ट हुआ था ना, उसमें 5 की है, 5 की है ना? बिल्कुल। हाँ, तो मारुति अगर 5 की रेटिंग दे रही है तो इट मीन्स कि इस बार कुछ बढ़िया मॉडल आया है, क्योंकि मारुति की गाड़ी में जैसे सम टाइम मैंने देखा है क्रैश टेस्ट में रेटिंग कमी आती है। हाँ, 4 या 4.5 आती है। मारुति की फर्स्ट गाड़ी है जिसमें पूरी 5 रेटिंग आई है। तो भाई मारुति की फर्स्ट गाड़ी है 5 रेटिंग के साथ में। सो नेक्सा की गाड़ी चलाना और एक अरेना की गाड़ी चलाने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो गाइस, ये घड़ी अपनी ग्रैंड विटारा है जिसका अपन पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्ड वीडियो आने वाला है, एक व्लॉग भी हो जाएगा और एक वीडियो भी हो जाएगा। सो दोनों होप करता हूँ आप लोग को पसंद आएंगे। सो गाड़ी के बाहर से एक्सटीरियर लुक बहुत ज़्यादा प्यारे हैं और ये जो कलर हम लोग लेके आए हैं ये बहुत ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है। सो ये हाइब्रिड इंजन के साथ में आती है ग्रैंड विटारा, और इसके जो टायर हैं, जो इसके फीचर्स हैं, जो इसका इंजन है, जो कीलेस एंट्री वगैरह A to Z हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में रिकॉर्ड करने वाले हैं। सो उस व्लॉग को कम्प्लीटली पूरा देखना। तो अभी गाइज हम लोग ले रहे हैं ग्रैंड विटारा की टेस्ट ड्राइव, उससे पहले मैं आप लोग को इसका 360 डिग्री कैमरा दिखा देता हूँ। सो ये है इसका बैक कैमरा, और बैक कैमरा के साथ में यहाँ पे 360 डिग्री व्यू मिल जाता है, और इधर हमारा बैक कैमरा का कंसोल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पूरा बैक व्यू, जिसमें गाड़ी का जो विजिबिलिटी है, जो क्वालिटी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रॉपर हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके इसका बैक व्यू है। तो ये जो व्यू है वो बैक साइड का और एक साइड का, लेफ्ट साइड का व्यू है, और हम लोग चाहें तो इसको पूरा 360 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही अपन ये व्यू बटन दबाएंगे, ये देखो गाइस बटन दबाते यहाँ पे पूरा का पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है। तो अभी गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, फिर देखते हैं कैसा व्यू आ रहा है। तो ये यहाँ पे पूरा हमें 360 डिग्री व्यू मिल रहा है, और गाड़ी अपनी फर्स्ट गियर में ऑटोमेटिकली चल रही है, क्योंकि फर्स्ट गियर में जितनी अमूमेंट स्पीड होती है गाड़ी की, उस स्पीड में गाड़ी चल रही है अभी, और यहाँ पे हमें पूरा का पूरा व्यू मिल रहा है गाड़ी का। सो फिलहाल इसको पूरा एक्सलेट करके देखेंगे। गाड़ी की स्पीड जो है हमें स्पीडोमीटर में 220 की मिल जाती है, और गाड़ी की माइलेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बताई गई है, क्योंकि इसमें एक हाइब्रिड सिस्टम है। सो भैया उसका क्या एल्गोरिज्म रहता है? वो जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी आती है ना अपने, वो 1 से लेकर 40 की स्पीड तक पूरी पूरी बैटरी पर चलेगी गाड़ी। ओके। और 40 से 60 के बीच में पूरी पेट्रोल पर शिफ्ट हो जाएगी गाड़ी। ठीक है। 60 से अब जैसे ही गाड़ी जाएगी तो बैटरी और पेट्रोल दोनों पे चलेगी गाड़ी। 60 से ऊपर जैसे ही गाड़ी जाती है तो बैटरी और पेट्रोल दोनों पे चलेगी। जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होगी तो वो पूरी पूरी गाड़ी पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी। ठीक है जी सर। बैटरी सेल्फ चार्जेबल है, अपने को बाहर से चार्ज नहीं करनी होती है वो। और गाड़ी का माइलेज कंपनी क्या क्लेम कर रही है? 28 का क्लेम करती है कंपनी। सो फ्रेंड्स, गाड़ी का जो ऑन रोड माइलेज है, जो हाईवे पे है, वो 28 का कंपनी क्लेम करती है, और लोकल में गाड़ी अभी हमें 12.2 का शो कर रही है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टार्ट खड़ी थी, जब से अपन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब से गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, और वैसे गाड़ी का माइलेज है भी अच्छा, मैंने ऑनलाइन भी देखा है। अभी अपन चलते हैं गाड़ी को बढ़िया से एक्सलेट करके देखते हैं, और पूरा भैया के साथ में व्यू लेते हैं गाड़ी का। I want to be daring, baby, dance the night away, I let my head down if I want. So guys, गाड़ी की माइलेज की अगर अपन बात करें तो गाड़ी देख लो कंटिन्यूअसली 60 की स्पीड पे चल रही है। मैंने इसको 80 तक भी एक्सलेट किया था, और भाई SUV गाड़ी होकर के 22.5 की माइलेज ये बता रहा है भाई, देखो। तो अभी गाइज हम लोग गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हैं, और हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा टॉप पे है, क्योंकि मारुति से हमें ऐसी एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं थी। जिस तरीके की SUV हमने मारुति की आज हम लोगों ने ड्राइव की है भाई, एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस रहा है हमारा। आप लोगों को फुल वीडियो जरूर देखना है, मेरा नेक्स्ट वीडियो इसका डिटेल वीडियो होगा, सो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। तो यहाँ पे खड़ी है हमारी, देखो बढ़िया से गाड़ी। तो पूरे के पूरे टेस्ट ड्राइव में गाड़ी चलाई थी मैंने, तो अब गाड़ी चला रहे चाचू बढ़िया से अपना सीट एडजस्ट करके। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं वापस कंपनी में, चाचू ड्राइव कर रहे हैं अभी, मैंने एक बार ड्राइव करके देख लिया। तो अभी गाइस बढ़िया कंपनी जाके आ गए हैं, और फिलहाल जाएंगे भाई घर पे, गाड़ी अपनी यहाँ खड़ी। ड्राइविंग की गाड़ी की बहुत बढ़िया लगी, एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, और इस बार हमें पवन जी ने ज्वाइन नहीं किया, इस बार हमें अजीत जी ने ज्वाइन किया, क्योंकि नेक्सा में वो है, पवन जी अरेना में। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, कंपनी वाले बढ़िया सपोर्ट भी किए, अच्छे से बताई जो चीज़ हमें नहीं पता थी, और होपफुली ये वाले रिव्यू वाले वीडियो भी अब नेक्स्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग रिव्यू करते रहेंगे तो हम लोग को पता लगेगा कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो वही एक कोई परचेज कर लेंगे। To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun.